अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैर से होंगे, नमस्ते और मुस्कुराते रहें। चलते हैं आज वीडियो के आप आज वीडियो का टिब्रू वाला जो वीडियो है, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान बनेगा श्रीलंका पार्ट टू, खतरनाक हुआ खतरनाक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रोस्ट टिब्रू। तो देखते हैं वीडियो में जहाँ फिर देते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन। इमरान खान ने कहा है कि श्रीलंकन सदर ने उन्हें महंगाई कम करने के गुर बताए हैं, वतन वापस जाकर उन पर अमल करेंगे। और यही बंदा कुछ दिनों बाद कौम का वो हाल होने जा रहा है जो श्रीलंका का हुआ है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मतलब बंदा सत्ता में रहते हुए श्रीलंका से महंगाई पर काबू पाने के खुद सीख कर आ रहा था। I had a very good conversation with the president. We were discussing how to bring down the prices of food. पर सत्ता से निकलने के बाद श्रीलंका का हाल देख लो, वज़ीर-ए-आज़म का घर जला दिया, सदर जान बचा के बाहर भागा। अब भाई इस बंदे की बकचोदी देखो, सत्ता में रहते हुए खुद श्रीलंका से महंगाई कम करने के गुर सीख कर पाकिस्तान पर लागू करने वाला था, और अब सत्ता छिन जाने के बाद उसी श्रीलंका के दिवालिया का लोगों को उदाहरण दे रहा है। वहाँ रे झोपड़ी वाले, भाई वो तो अच्छा रहा बंदा सत्ता से निकल गया। अगर आज ये पीएम पद पर बना रहता तो कसम बुशरा बीबी की पाकिस्तान श्रीलंका कब का बन चुका होता। लेकिन कटोरा खान की किस्मत इतनी चमकीली है जितना जुगनू का पिछवाड़ा। जैसे ही पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होने को आए, कटोरा खान की जगह शहबाज शरीफ पीएम बन गया, और जो किया धराया कटोरा खान का था उसका ढिंढोरा फूटा शहबाज शरीफ पर। और अब तो कटोरा खान इतनी हरामी पंथी पर आ गया है कि अपने सपोर्टर्स को मौजूदा सरकार पर आक्रमण करने के लिए उत्साहित कर रहा है। श्रीलंका में जो सिर्फ 2 करोड़ की आबादी है, 7 करोड़ की या 22 करोड़ की आबादी है, और जैसे हम इशारा कर रहे हैं अल्लाह। और उधर पाकिस्तानी आवाम उसको तो यही लग रहा है जैसे कटोरा खान के रूप में जिन्ना ने ही पुनर्जन्म ले लिया हो। 90% पोर्कियों को इमरान खान में जिन्ना की आत्मा नजर आती है, और सोचते हैं यही है वो जुगनू जो पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। लेकिन यही आवाम जो आज कटोरा खान के समर्थन में खड़ी हुई है, वही इसकी सत्ता के दौरान कहती थी खुदारा भाई उड़िया, तब्दीली हमें नहीं चाहिए। आपने वोट किसको दिया था? इमरान खान। अगला वोट किसको देंगे? जिंदा रहेंगे तो देंगे ना, ये जीने देगा। नवाज शरीफ ने खाया, जरदारी ने खाया, सब ने खाया, इमरान खान भी खा रहा है। मर नहीं खाना, बावला हो गया तू, लंदन में रह। आज वही आवाम फिर से इसका समर्थन कर रही है, और क्यों? क्योंकि बंदे ने राजनीति में धर्म को जो जोड़ दिया। दूसरे देशों में नेता विकास के नाम पर वोट मांगते हैं, और कटोरा खान वोट मांगता है इस्लाम के नाम पर। अब पाकिस्तान में ठहरे कट्टर जाहिल, धर्म के नाम पर कटोरा खान को अपनी गांव दे दें तो ये वोट क्या चीज है? वो लगे हुए हैं इसको अपना मसीहा बनाने में, और कटोरा खान की अपने समर्थकों में जोश भरने की टेक्निक। जब अल्लाह ने आपको पर दिए हैं, क्यों जमीन पे चूंटियों की तरह रेंग रहे हो? चूंटियों की तरह रेंग रहे हो? उड़ो झोपड़ी वालों, क्यों रेंग रहे हो? पर नहीं है तो टिकटोकियों से भाड़े पर ले लो। वैसे भी टिकटोकिये बेवजह उड़ते नजर आते हैं, टिकटोक पर किसी के काम नहीं आ रहे, तो कम से कम कटोरा खान के तो काम आ जाओ। लगे हाथ कटोरा खान जन्नत भी दिला देगा, और फिर नहीं उड़ पा रहे तो कश्मीर में एंट्री करने की कोशिश करो, हमारी फौज तुम्हें उड़ाने में भरपूर मदद करेगी। मजा आया भाई, कटोरा खान ने अपने सपोर्टर्स का इस कदर वशीकरण किया हुआ है कि कटोरा खान मुंह से कुछ भी हक दे, कुछ भी, इसके सपोर्टर्स के लिए वही सत्य है। हिंदुस्तान ने क्या किया जरा ये सुने गौर से, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। नाक में दम कर रखा तूने? मतलब कटोरा खान की माने तो ये दुनिया का वो इकलौता नायाब नमूना है जिसके खिलाफ भारत साजिश करता है, अमेरिका साजिश करता है। वो बात अलग है कि दुनिया के किसी देश को इस बंदे के होने ना होने से घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कटोरा खान ने पाकिस्तान में माहौल ऐसा बनाया हुआ है जैसे पूरी दुनिया पाकिस्तान के पीछे पड़ी हो, और ये इकलौता चिराग है जो पाकिस्तान को जिंदा बचा लेगा। लेकिन ये बंदा यही नहीं रुकता, इस बंदे को बकचोदी भी इंडिया के खिलाफ करनी है, और दिल पर पत्थर रखकर तारीफ भी इंडिया की करनी है। और क्यों? क्योंकि जब तक पाकिस्तानी आवाम के सामने भारत का उदाहरण ना आए, तब तक उन्हें कोई बात पल्ले नहीं पड़ती। वो तेल भी
ले रहे हैं, लेकिन गुलामों को इजाजत नहीं है। उन्होंने 25 रुपए लीटर अपनी बिजली कम की है। भाई इसे बोलते हैं असली तरक्की। कटोरा खान ने बिजली लीटर में देना भी स्टार्ट कर दी और दूसरे मुल्क अब भी बिजली यूनिट में देकर काम चला रहे हैं। और भाई इसके सपोर्टर्स की तो सुनो, बिजली को यूनिट की जगह लीटर में सप्लाई करने वाले अपने मसीहा के लिए तालियां भी बजा रहे हैं। उन्होंने 25 रुपए लीटर अपनी बिजली कम की है। कैसे सच में बिजली लीटर में ही सप्लाई हो रही हो? कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। भाई कटोरा खान ने अपने समर्थकों को इस कदर ट्रेंड किया हुआ है कि न सिर्फ इसके समर्थक इसकी हर बात पर तालियां बजाते हैं, बल्कि कटोरा खान के बिना कुछ बोले ही सब कुछ समझ भी जाते हैं। ये जो सारे PDM के जितने ये बड़े बड़े जो इनके जो ये जो बड़े बड़े देख रहा कैसी गंदी गंदी बातें करता है ये आदमी। भाई जितना दिमाग कटोरा खान खुद को सजने संभालने में लगाता है, अगर उसका 10% भी दिमाग अपनी स्पीच पर लगा दे तो हर भाषण में भपलाता नजर ना आए। इस्लाम और रूम फपला गया अभी, फपला गया। लेकिन इसका सारा दिमाग रहता है खुद को हैंडसम दिखाने में। अरे साउंड एक्शन। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ, क्या बोलती है तू? भाई टीवी इंटरव्यू हो या जलसा, कटोरा खान का सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो है खुद को ज्यादा से ज्यादा हैंडसम दिखाना, क्योंकि ये पाकिस्तानी आवाम है, इसे अपने लीडर में काबिलियत नहीं सुंदरता चाहिए। तभी तो सोशल मीडिया पर पोर की अपने हैंडसम PM की तुलना काबिलियत में नहीं सुंदरता में करते नजर आते हैं। इज द मोस्ट हैंडसम प्राइम मिनिस्टर इन एशिया। आई वुड हैव टू से इमरान खान। जी जी जी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। यहाँ तक कि YouTube पर भी पोर्कियो ने हैंडसम प्राइम मिनिस्टर नाम से हजारों वीडियो अपलोड की हुई हैं। भाई पोर्कियो का क्या है, कटोरा खान PM पद पर रहते हुए दूसरे देशों में जाकर भीख मांगे लेकिन क्या हुआ, है तो बंदा हैंडसम। सऊदी प्रिंस का ड्राइवर बन जाए लेकिन है तो बंदा हैंडसम। पूरे देश को कर्ज लेकर गिरवी रख दे लेकिन है तो बंदा हैंडसम। अरे तुम्हारी बहन का पोर्की मारूं, तुम शहबाज शरीफ को PM बना दो या कटोरा खान को, तुम्हारे हालात कभी नहीं सुधरने वाले, क्योंकि तुम जाहिलों ने पाकिस्तान को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अगर आज स्वयं जिन्ना भी PM पद पर होते तो पाकिस्तान की स्थिति देखकर वो भी बोल उठते। मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जी वीडियो तो ही खत्म, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा, ये तिबरू की वीडियो एक कमाल की वीडियो ये बनाते हैं। मैं सिर्फ अपने यूकूब भाई कहते हैं कि सारी वीडियो यूकूब के मुखालिफ। नहीं भाई गुलजार, मैं सिर्फ एक भाई कहता हूं, मेरे मुखालिफ क्यों हो रही है, मैं तो दुश्मन हूं का या वो मेरा दुश्मन है? मेरा तिबरू से कुछ ना कोई लेना है ना कोई देना है, ना मैं इसके साथ कभी मिला हूँ ना मैं कोई मिलना चाहता हूँ। इस वीडियो को सिलेक्ट किया है, इसमें कितनी सच्ची बातें और कितनी। अच्छा मुझे एक बात कर लेने फिर तू पहले वैसे भी गला खराब है सर, आप बात कर लेना। एक बात गुलजार ने आज इस वीडियो में सच बताना है। मैं सिर्फ एक आप बात कर रही, मैंने शुरू में नहीं, मैंने आप तुमसे दोनों से पूछना है, शुरू में नहीं बता सका। हमारा एक रिएक्शन चैनल है वर्ल्ड रियल रिएक्शन, वो हमारे जितने भी दोस्त हैं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें, और वो ज़्यादातर बेसिकली पाकिस्तान इंटरनेशनल रिलेशन और हमारे जो आवाम उनमें आगे शोर पता करने के लिए मैंने ये हमने बनाया, और ये बहुत टिपिकल और बहुत डिफ़िकल्ट काम है, और इसके लिए हमने सिलेक्ट किया कि अगर हमारे लिए 4-5 लोग समझ सकते हैं हमारी बात तो ये हमारे लिए खुश आइंद होगी। और आपसे रिक्वेस्ट है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वर्ल्ड रियल रिएक्शंस का लिंक नीचे वीडियो में दे दिया। मेरा तबीयत थोड़ी सी खराब है भाई गुलजार, और भाई यूकूब भी इस पर कब साथ रहना है जी। बोले यूकूब भाई कि इसमें मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगा, मुझे तिबरू एक वीडियो इमरान खान के अलावा बना के दिखाए, इसकी रोजी रोटी चलती ही इमरान खान के ऊपर है। ये आज से नहीं, आपने गुजारा आज पहले दिन वीडियो उठाई है, मैं भी उठाई है यार। मैं एक बात तो सुन ले, 3 साल से मैं देख रहा हूँ ये तिबरू वाला जो है ना, ये इमरान खान के अलावा ये कहता है ना ये फलाना ये ढिकाना, इसके पास ये तो कहते था तिबरू कहता था इसके ऊपर ये प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा उतर जाएगा, मैं कहता था ये उतरेगा फिर आएगा और फिर भी ताकत में आएगा और इस तरह आएगा जिस तरह मोदी अक्सरियत के साथ आया है, और उसकी पहली सीढ़ी अब बन चुकी है NPA कलेक्शन 17 सीटें जीत के। गुलदार सुन लेना, बाद में बोल लेना। उसके बाद अब इमरान खान दोबारा आएंगे अक्सरियत के साथ इंशाल्लाह। इमरान खान की वीडियो के अलावा मुझे तिबरू एक वीडियो बना के दिखा दे, मैं अपना काम चला के दिखा दे तिबरू भाई की। अगर ये तिबरू इमरान खान साहब के मुखालिफ ही होती है वो चलती है भी मेरा भाई, इमरान खान के अलावा इंडिया की जो असेंबली है ना उसके अंदर इमरान खान के अलावा कभी बहस शुरू ही नहीं हुई,
यार ये तो तू बहुत बड़ी बात, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, जो गलत बात है गलत बात जो गलत है ना 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 भाई गुलजार मेरे तकरीर क्या कहते हैं इंडिया इमरान खान के बगैर है ही कुछ नहीं, क्या कहना चाहते हैं, ये नहीं कहता इंडिया इमरान खान, तो फिर समझ साहब मुझे बात भाई बात मैं कर रहा हूँ, भाई आपका भाई गलत कर रहा बात तो सुन ले, गलत बात कर रहे यार मेरी बात तो सुन ले, जो प्यार इंडिया में इमरान खान साहब को मिलता था ना वो उसके मुखालिफ, अब जो उसके सियासत अवाम जो है ना अभी भी इमरान खान साहब को चाहती है, ये मेरी 100% गारंटी है, जो उसने बड़े मेरे को सुनो बात, जो उसके बड़े लीडर है ना कि जो एमपी है ये एमएन है जो उधर के हैं, वही पाकिस्तान के खिलाफ जो इमरान खान साहब ने कहा ना ट्रेड बंद की और कश्मीर के खिलाफ उसका बयान था, उसके खिलाफ है कि उसको नफरत की निगाह से देखते हैं, पर अभी भी देखे ना सर्वे करवा ले इंडिया में, मैं तो कहता हूँ 70% जो अवाम है ना वो इमरान खान ये भी है। नहीं, 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 भाई आप सर्वे कर मेरी बात सुनो, जितने सुपरस्टार क्रिकेटर हैं, जितने सुपरस्टार मेरे सुनो, जितने सुपरस्टार फिल्म स्टार हैं, ड्रामे वाले हैं या इंडिया के बिजनेसमैन हैं, किसी बंदे से भी पूछ रहे सच्चे दिल से वो बंदा बताएगा, अदलीब कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इनसे बार के मुझे भाई आम जनता से पूछे, अगर आम जनता में भी इमरान खान के खिलाफ कोई नहीं, मैं आम आवाम की अगर इमरान खान इंडिया के खिलाफ बोलेगा, मेरी सुन रहे हो भाई, कोई ब्लॉगर है वो अपने मुल्क में सर्वे कराए, जो कोई एक मीडिया भी है वो इमरान खान साहब को बताए कि वो कितने परसेंट, अगर इमरान खान खिलाफ बोलेगा ना इंडिया के खिलाफ, तो फिर तो इंडिया की आवाम भी बोलेगी भाई, भाई अवाम क्या बोला है? अगर इमरान खान खिलाफ बोलेगा वो भी जवाब देगा, इमरान खान साहब ने क्या नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैंने तो मेरा भाई अगर कोई गलत लफ्ज बोलेगा इमरान खान इंडिया के खिलाफ, क्या मोदी हमारे खिलाफ बोलेगा? मोदी को नहीं जवाब देते, मैं देता हूँ मोदी को जवाब, मेरी कंट्री के खिलाफ अगर कोई इंडिया का बंदा बोलेगा, मैंने तो इमरान खान की बयान नहीं सुना के गुजर, अगर इमरान खान इंडिया के खिलाफ कोई लफ्ज निकालेगा तो इंडिया की अवाम भी जवाब देगी भाई, उनका हक भी बनता है अपनी कंट्री के लिए, बनता है हक, ये मैं बात कर रहा हूँ तिब्रू अगर इमरान खान के अलावा, मैं कह रहा हूँ जिस दिन से इसने चैनल बनाया भाई, ये इमरान खान के अलावा कोई एक वीडियो बना भाई उसकी, मुझे मैंने उसकी रोजी रोटी भी इमरान खान की वीडियो बचा लिया है, तिब्रू भाई का कि वो उस पर रिएक्शन देते हैं, अच्छी बात है सख्त अल्फाज में और उसकी वीडियो बहुत करती है भाई, जिस तरह के मर्जी अल्फाज इस्तेमाल करे तिब्रू, हमें कोई टेंशन नहीं, जिस तरह मर्जी वो चूतिया बोलता है, गांडू बोलता है, जो बोलता है वो उसका जमीर का पता चलता है, इसमें वो किस तरह का भाई, हमें भी अब हमें भी मजा, किस तरह मर्जी बना ले हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, जितना मर्जी बोल ले हम तो उसकी वीडियो उठाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे, उसके ऊपर अपना भी रिएक्शन देंगे, बोलेंगे हमें तिब्रू से कुछ लेना देना नहीं, वो वीडियो बनाता है बनाया भाई, हमें कोई ना, तो मैं इंशाल्लाह जरूर इस पे ब्लॉग बनाता हूं अपनी इंडियन, और इमरान खान की शान में ना तिब्रू जितनी मर्जी वीडियो बनाए, मेरी तो सुनो कोई भाई जो उधर सुन रहा है ब्लॉगर है वो सर्वे कराएगा तो हमें बताए, आप एक वीडियो बना यार छोड़, हमें सर्वे करने की जरूरत ही नहीं भाई, हम जिसको अल्लाह ने इज्जत दी, मेरी बात सुन, जिसको अच्छा मैं तुझे मिसाल देता हूँ, मोदी हमारे इंडिया पाकिस्तान के अंदर मोदी खिलाफ कितना प्रोपेगेंडा होता था, ये चाय बेचने वाला ये दुश्मन है, ये पाकिस्तान का दुश्मन है, ये है वो है, कोई फर्क पड़ा मोदी की जिंदगी में? थोड़ा सा जवाब दे, कोई फर्क वो मेरी बात तो सुन यार, मेरी बात मुकम्मल तो लेने दे, मेरी बात समझ इसलिए नहीं आती, तू जवाब नहीं देता, मोदी की इज्जत में कोई फर्क आया? नहीं बड़ा, दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना भाई, पहले से इज्जत बड़ी बड़ी भाई बड़ी है ना, कोई हमारे कहने से मोदी की या इंडिया की इज्जत में फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा ना, इमरान खान के खिलाफ सारा हिंदुस्तान भी बोल पड़े ना, इमरान खान की इज्जत में फर्क भी नहीं पड़ना भाई, जितना बेशक जो मर्जी भाई, जितना मोदी साहब ने काम इंडिया के लिए किया है ना, मैं तो कहता हूँ उसको पिछली 10 साल क्या, उसको तो जब तक उसकी जिंदगी है उसको इंडिया का, तो भाई उसे भाई जो अच्छा काम करे उसको आप अप्रिशिएट करें उसको, तो यार आप कौन सा बम लेके बैठे हैं, हम भी तो वो ही कह रहे हैं कि मोदी ने कुछ अच्छा किया तो उसका नाम आ रहा है, साहब ने अगर वो कुछ ना करते, अगर वो कुछ ना करते तो मेरा भाई कोई भी एक बंदा इंडिया में नाम नहीं लेगा उसका, उसने अच्छा किया तो इंडिया से बाहर भी दुनिया उसका नाम ले रही है, तो इमरान खान का नाम तिब्रू जितनी मर्जी तोड़ मरोड़ के बातें कर ले, जिस तरह मर्जी वीडियो बना रहे, इमरान खान की इज्जत में फर्क नहीं पड़ने वाला गुलजार, नहीं पड़ने वाला, हाँ उसका ये काम है बेशक भाई, बखूबी करें अच्छे तरीके से, इससे भी अच्छी वीडियो बनाए, हम मोदी साहब ये कहूंगा
मैं ये करे उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसका नाम भी चलता है। शान में कोई फर्क नहीं। गुलजार भाई इतना कहूंगा, तिब्रू बहुत मेहनत करता है, सारी सारी रात गुजार देते हैं भाई इस वीडियो को ये टोटके बनाने के लिए, एक रात अपलोड करने के लिए बड़ा वक्त लगता है। इस वीडियो को बनाने में वो पूरा हफ्ता लगाता है, बेशक 4 हफ्ते लगा ले, उसकी मेहनत होती है भाई। वो जिस तरह मर्जी बनाए, हमें कोई एक घंटे का फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। असल में बात ये है, वो उन्होंने फन के लिए बनाई है, एक एज अ फन भाई, एक फन के लिए हम तो भी समझ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं उनको ये कहूंगा कि आप जब फन बनाते, मैं तो कुछ भी नहीं कहूंगा, तू कहना तो कह भाई। मैं कहता हूं जितना मर्जी खिलाफ बोल ले, जितना मर्जी गंदी जुबान भी इस्तेमाल करनी है ना, वो इमरान खान की शान में या पाकिस्तान की शान में 15 बार बोल चुका। अब भाई फन की बात है, उन्होंने थोड़ा सा अपनी बात ये अपने फन के लिए किया है, अपने लोगों को खुश करने के लिए किया है। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि जब आप लैंग्वेज अल्फाज का चुनाव जो है ना, वो जाहिर करता, अच्छा कर ले तो वो जाहिर करता है कि आप इतने पढ़े लिखे हैं। अगर आप यही फन करें लेकिन थोड़ा सा अल्फाज का चुनाव बेहतर करें, तो मेरे ख्याल में आप पढ़े लिखे होने का सबूत देंगे कि आप वाकई पढ़े लिखे और एक मौजम माशरे से। हमें भी तो कमेंट आते हैं ना पाकिस्तानी को, तो उर्दू मेजर साहब कहते हैं पाकिस्तान को, तो उर्दू नहीं बोलनी आती, बोलना नहीं आता, ये लैंग्वेज है फिर हिंदुस्तान की भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर, मिलता है नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक वीडियो ज्यादा अल्लाह।